रियलमी मोशन एक्टिवेशन लाइट, रियलमी मोशन लाइट है। अगर इसके बारे में तुमको नहीं पता तो वीडियो देखो, इसलिए तो बना रहा हूँ। ओके, बात करते हैं इसके बारे में, तो पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लो। यहाँ ये ओपन होकर यहाँ सेल लगते हैं, मैं भी सेल आपको लगा के दिखाऊंगा। एंड दोस्तों इसके साथ तीन सेल आते हैं कि ये तीन सेल आते हैं और ये ट्रिपल ए साइज के सेल हैं। तो दोस्तों अब मैं आगे की चीज़ें दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो ना अपन सेल लगा लेते हैं अपने लाइट पे, जैसे कि बताया हमने ट्रिपल ए साइज का सेल लगता है ये। अब मैं इनको लगा लेता हूँ और आपको बताता हूँ चीज़ें। देखो सेल लगा दी, लाइट जल गया, ठीक है। और अब इसको अपन पूरा पैक कर लेते हैं। हो गई, ये हो गया पूरा फिनिश, पूरा सेटअप। ये भी जल तो गया है लेकिन ये थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। हाँ ये देखो बंद हो गया, अब ये नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा, बिकॉज़ यहाँ अच्छी खासी रोशनी है, लाइट जल रहा है, खिड़की से रोशनी आ रही है। सब सुबह का टाइम है ना, सुबह शूट कर रहा हूँ, तो ये इसलिए नहीं जलेगा क्योंकि इसको चाहिए अंधेरा। जब तक अंधेरा ना हो कमरे में तो ये जलता नहीं है। तो इसका जब आप ख़रीदेंगे ना, तो जब सेल लगाएंगे तो एक बार तो जल जाएगा, उसके बाद बंद होगा तो वो जलेगा ही नहीं। तो आप ये मत सोचना कि यार ये बंद क्यों हो गया, जल क्यों नहीं रहा है। तो उसका यही रीज़न है कि ये नाइट लैम्प, तो ये नाइट में ही जलता है। और नाइट में भी इसका कोई बटन नहीं है कि इसको ऑन ऑफ करके ये जला दें या फिर ऑन कर दिया तो ये जलते रहेगा। ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट करता है, ह्यूमन बॉडी के 10 मीटर के अंदर ये है, तो वो अपने आप ह्यूमन बॉडी को ट्रैक करके जल जाता है। इसका एक 10 मीटर का अपना एक रेंज होता है, उसके अंदर अगर कोई ह्यूमन कोई इंसान या कोई बंदा आ जाता है वो अपने आप जल जाएगा। लेकिन अगर उसके 10 मीटर के अंदर कोई नहीं है तो वो बंद ही रहेगा, वो जलेगा बिल्कुल नहीं। तो मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं जलेगा, जहाँ रोशनी है वहाँ नहीं जलेगा। हाँ नाइट में भी अगर आपके कमरे में लाइट जल रही है तो भी ये नहीं जलेगा। लाइट अगर आपका मेन वाला जो बंद कर दोगे उसके बाद ये जलना चालू हो जाएगा, पर रेगुलरली नहीं जलता। जब तक इसके अटैच में रहो, जब तक इसके कनेक्शन में रहती है अपनी बॉडी, तब तक ये जलते रहता है, जलते रहता है। ये एक तो ना आप इसको ऐसे धागा बांध के ऐसा कहीं भी लटका सकते हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ होना चाहिए चीज़, यहाँ मुझे यूज़ करना है, तो आप ऐसे धागा बांध के ऐसा लटका सकते हैं। अगर वो नहीं करना है तो ये चीज़ मिलती है आपको रियलमी की तरफ से। यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, इसको आप निकालोगे और एक पर्टिकुलर जगह में इसे लगा दोगे, वो चिपक जाएगा। इसका ग्लू इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक बार चिपकेगा तो निकलेगा नहीं। उसके बाद जैसे ये चिपक गया, उसके बाद आप इसको ये यहाँ पे है मैग्नेट, तो ये इतने स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाता है कि ये गिरने का बिल्कुल चांस नहीं है। ये अगर मैं खींचूँ भी तो थोड़ा फोर्स लगता है। तो इसका ना मेन उपयोग ये है कि जैसे अपने अपना पर्सनल यूज़ के हिसाब से, जैसे कि क्या होता है कुछ लोग नाइट में जीरो बल्ब पर चालू कर सोते हैं अपने कमरे में ताकि पूरा अंधेरा ना रहे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं पूरा अंधेरा करके सोता हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत यूज़फुल है। मैं क्या करता हूँ, अपने बेड के पास मैंने इसको लगा रखा है, मेरे पास एक और है वो लगा हुआ है, ये अभी मैंने और ख़रीदा है सेकंड। इसको मैं अपने बेड के पास ऐसा लगा देता हूँ, तो उससे क्या होता है कि जब मैं अंधेरा रहता पूरे कमरे में और जब मुझे रात में उठना है, मैं उठा, जैसे मैं उठा है तो वो मेरी बॉडी को ट्रैक करके जल जाता है। तो इससे पूरे कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी आ जाती है, जिससे मुझे काफ़ी चीज़ें दिखने लगती हैं, जैसे कि बोर्ड किधर है, कुछ सामान पड़ा तो नहीं है जिससे मैं टकरा जाऊँ, बोर्ड के पास आकर लाइट जलाकर वो सब होते रहता है। तो वो चीज़ें मेरे लिए ये बहुत यूज़फुल है, इसलिए मैंने दो दो परचेस कर रखा है। एक्चुअली मैंने अपने मेरे यहीं पर लगा हुआ, मेरे सर के ऊपर है, मैं दिखा देता हूँ। ये दोस्तों ऑलरेडी लगा हुआ है और ये अभी का, तो मेरे बेड के ऊपर ही है। जब मैं उठता हूँ तो वो मुझे मेरी बॉडी को ट्रैक करके अपने आप जल जाती है, तो फिर मुझे चीज़ें दिखने लगती कमरे की नाइट में। तो मैंने ये बता दिया कि मेनली इसका उपयोग कैसे किया जाता है और किस चीज़ के लिए बना है। नाइट लैम्प है, नाइट में काम आता है, और मोशन लाइट है, बॉडी को ट्रैक करके ये जलता है।
बॉडी की जैसे ही ट्रैक करेगा जल जाएगा, उसके बाद आप इसे दूर चले जाते हैं, उसके 10 या 11 सेकंड बाद, जस्ट 10 या 11 सेकंड बाद ये अपने आप ऑफ हो जाता है। प्राइस की बात करूँ तो ये पड़ा था मुझे 599, मतलब 600 रुपये में पड़ा था। और दूसरी चीज़, आप ना जैसे क्या होता है कि आपके घर में जैसे अलमारी होती है, खड़ी अलमारी, तो उसमें जब खोलो ना तो बहुत अंधेरा सा रहता है अंदर, तो वहाँ पर्टिकुलर जगह में आप इसके साथ चिपका सकते हैं। एक जगह में से चिपका देंगे तो जब वो अलमारी खोलेंगे तो आपको ट्रैक करके अपने आप जल जाएगा, तो अंदर की सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी कि कपड़े किधर हैं, अदर प्रोडक्ट किधर हैं, तो ये चीज़ें वहाँ भी उपयोग आ सकता है। और इसका जो सेल है ना, वो कंपनी क्लेम करती है कि 1 ईयर तक आराम से चलेगा। अब जैसे ना कुछ चीज़ें मैं ना आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों, नाइट हो गई है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि नाइट में कैसे काम करता है। मैंने दोनों कमरे की लाइट, जो मेन लाइट होती है, वो मैंने ऑफ कर दी है। अभी मैं देखिए, मैं उसके पास जाता हूँ, जैसे ही मैं उसके पास जाऊँगा तो वो अपने आप मेरी बॉडी को ट्रैक करके कि जल जाएगा। तो देखिए, ये देखिए गाइस, ये जल गया। देन मैं इसके 10 मीटर के दायरे से जैसे ही दूर जाऊँगा, ये अपने आप 11 सेकेंड बाद ऑफ हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये 10 सेकंड बाद ही अपने आप, 11 सेकंड बाद ही अपने आप ऑफ हो गया, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर ये ऑफ हो जाता है। मैं जैसे ही इससे 11 सेकंड दूर रहा, ये अपने आप ऑफ हो गया। देन मैं जैसे ही उसके पास जाता हूँ, ये देखिए फिर से ऑन हो गया। तो ये ऐसे ही बॉडी को ट्रैक करके ऑन ऑफ होते रहता है। अगर मैं यहाँ स्थाई खड़ा रहूँ तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ मूव करता रहूँ, ये लाइट जलते रहेगा मेरी बॉडी को ट्रैक करके। दैट इज़ द फीचर्स, ये इसकी फीचर्स हैं, ये इसके स्पेसिफिकेशन है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय।